बी क्विक बच्चे हरी अप। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या है? और सिलेंड्रिकल 192.5। कैपेसिटी है तो क्यूबिक फीट, दिस इज टोटल फैब्रिक स्क्वायर फीट। जहां पे एरिया की बात हो रही है स्क्वायर फीट विल बी द यूनिट, एंड जहां हम वॉल्यूम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो क्यूबिक फीट। राइट ऑन द नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट पास द टेंडर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ नेशनल हाईवे। ये जस्ट सुन लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं। Construction company wants to construct it before the given time frame so that it comes in use as soon as possible. Heavy machines were used, a trowel was used to dig out a circular field shape. यानी कि main जो हमें given है यहाँ पे, जैसे एक well shape होती है उस तरीके से जो है एक कैनो की यहाँ पे गड्ढा जो है वो खोदा गया for taking out the soil or earth, you can say. क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल विच इज डग आउट फ्रॉम द फील्ड। अ मशीन ऑपरेटर डग आउट अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4, रेडियस 4 गिवन है एंड द डेप्थ 12 मीटर, यूज पाई इक्वल टू 3.14। ये गड्ढा खोदा गया, इसमें से जो मिट्टी बाहर निकाली गई, वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट सॉइल। तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट। रेडियस 4 गिवन है, हाइट 12 गिवन, सिंप्लीफाई मीटर। इज इट डन? कितना है? 6। दिस विल बी 602.88।
डन। मल्टीप्लिकेशन में इतना टाइम कैसे चलेगा बताओ। सेकंड पार्ट चलो कर लेना जिनका नहीं हुआ। सेकंड पार्ट में है फाइंड द डगआउट एरिया ऑफ द फील्ड। डगआउट एरिया ऑफ द फील्ड कैसे आएगा? फील्ड में क्या डगआउट हुआ है? फील्ड में ऊपर जितना एरिया डग आउट हुआ दैट विल बी इक्वल टू दिस सर्कल्स एरिया। गॉट माय पॉइंट? बाकी गड्ढा तो नीचे ही जा रहा है। फील्ड का कितना एरिया डग आउट हुआ? जितना उस सर्कल का एरिया था जो वेल का, जिसको आप कहो कि ओपन है माउथ है जो उसका, तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो दिस एरिया यू आर टू फाइंड आउट। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। टेक केयर ऑफ दिस। फोर स्क्वायर आप 22/7 ले रहे होंगे तभी वो आ रहा था। थर्ड वन, इफ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट फील्ड इज ₹75 पर मीटर क्यूबिक। अब पर मीटर क्यूबिक है मींस वॉल्यूम का जो है वो हमें गिवन है। तो आपको फाइंड कॉस्ट गिवन है इज ₹75 पर मीटर क्यूबिक, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट द फील्ड। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट फील्ड 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट हमें गिवन है 75, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग आउट आपको गिवन है। हाँ जी, नो 216। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो अपनी अपनी। सिक्स 2.88 को मल्टीप्लाई करो 75 से। 60288 को मल्टीप्लाई कर लो 75 से। लास्ट में 2 जीरो जो है वो 2 डेसिमल्स हटा देना। इनर सर्फेस एरिया ऑफ द डिगिंग फील्ड। फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द डिगिंग फील्ड। अब ये आप देखो बताओ मुझे कैसे आपने। हाँ बेस भी, बेस इज ऑल्सो देयर। ठीक है, so it means curved surface and area of this field. Inner surface area of digging field outer hoi nahi sakta, curved surface area plus base area, so this is 2 pi rh प्लस पाई आर स्क्वायर। दोनों हमने निकाले हुए हैं, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आर। 2 पाई आर इज कर्व नहीं निकाला हमने, कर्व निकाला तो निकाल। इसको कर लेना कैलकुलेट 301.4
फोर फोर आएगा, ये 50.24 हम निकाल चुके हैं, ऐड करो एंड यू विल गेट योर आंसर एज 351.68। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। और वो 50.24 हमने निकाला। अब नेक्स्ट लिखो। बोलो। ऑन दिवाली फेस्टिवल अ बिग कंपनी डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज एम्प्लॉयज एन इलेक्ट्रिक केटल विच वॉज इन शेप ऑफ अ सिलेंडर एंड गिफ्ट रैप इन द क्यूबिकल बॉक्स। डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स आर 20x15x30 सेंटीमीटर में है, 20x15x15x30 सेंटीमीटर। हाँ जी, 20x15x30। हाँ जी, बॉक्स की भी कर जिसमें वो गिफ्ट रैप कर, 20x15x30 सेंटीमीटर्स में सभी यूनिट। डायमेंशन होगी बॉक्स की एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल आर 14 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस है, तो इट मींस रेडियस इज हांची क्यूबॉइडल होगा, क्यूबिकल लिखा है वैसे इन्होंने यहाँ पे, क्यूबॉइडल आए। रेडियस एंड हाइट होगी 14 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रीड द अबव पैसेज एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल की शेप क्या है? सिलेंड्रिकल, तो इट मींस वी आर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक केटल y की वैल्यू नहीं गिवन है, तो यू विल टेक इट एज 22/7 नहीं, गिवन 3.14, y इज गिवन टू बी 3.14, टेक इट एज 3.1। रेडियस 14, हाइट 25, सिंपलीफाई एंड गेट। हां जी, पहले ऐसे करो, सारे वो लिख लो, मैं फॉर्मूला डिस्कस कर लेती हूँ, फिर कैलकुलेशंस आप कर लेना। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? हाँ जी, एल इंटू बी इंटू एच, सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने। थर्ड पार्ट में सही, फाइंड द एरिया ऑफ द रैपिंग शीट दैट कवर्स द बॉक्स एग्जैक्टली। एरिया ऑफ रैपिंग शीट टोटल सरफेस, price of LB plus BH plus HL. And the fourth part, find the total surface area of electric kettle. Total surface area of electric kettle. Electric kettle कौन सी शेप है? सिलेंडर, तो क्या आ जाएगा total surface area? Values simply put करनी है, pi को 3.14 लेना है। हाँ जी, फर्स्ट वाले का 15386 9 आ रहा है आपका, 86 आ रहा है। सेकेंड वाले में सिंपली मल्टीप्लाई करना है 15 × 20 × 30, तो दिस विल बी 9000, ये आ जाएगा 9000 15386 है वाला, दिस इज 9000।
So this will be 2 into L plus B. B into H. Plus H into L. कैलकुलेशन से एक बार चेक करते हैं और लास्ट वाले में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 by r into r plus h. So last answer will be 3,428.88 meters. Simply calculate करने हैं आपने यहाँ पे calculation practice कर लेना. अब next ध्यान से सुनिए. हाँ वही है ना, वही चीज है. चलो इस बार ये है, अब इसमें पर case study में फिर वही problem आएगी कि one full mark will be lost अगर गलत हो जाता है. केस स्टडी 3 है इसकी हमारे पास. डेविड ऑर्गेनाइज्ड एन आइसक्रीम पार्टी एट हिज होम. ही बॉट एन आइसक्रीम ब्रिक, सॉफ्टी कोन एंड अ स्कूप टू पोर आइसक्रीम. यानी कि ब्रिक में से कट करके स्कूप आउट करके आइसक्रीम कोन्स में फिल करनी है. और हमें गिवन है डायमेंशंस ऑफ द ब्रिक आर 10 by 12 by 8. क्यूबॉइडल शेप हो जाएगी इसकी भी. 10 by 12 by 8 गिवन है उसकी डायमेंशन. हाँ जी 10 by 12 by 8 centimeter cube given है dimensions of brick, ice cream brick है ये. And given है radius of hemispherical scoop is 7 centimeter. Radius of hemispherical scoop is 7 centimeter. उसके बाद cone की dimensions हमें given है. Cone के लिए radius is given to be 7 centimeter and height is 12 centimeter. First part है, हमने क्या find out करना है इसमें. Find the volume of the hemispherical scoop. क्या formula लगेगा volume of hemisphere? ये calculations कर लेना. पाए यहाँ गिवन नहीं है, 22/7 लेके चल. उसके बाद सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक. टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. और थर्ड में वो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सॉफ्टी कोन दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. अगर इसमें वो कहते हैं, अगर साथ में आगे गिवन होता है कि वो उसको पूरा फिल कर रहा है प्लस ये ऊपर इस तरीके से हेमिस्फीयर भी बन रहा है. किसमें? कुछ साथ में कंडीशन गिवन होगी ना, उसके करके आप उसको अवॉइड करोगे. वो डिपेंडिंग ऑन की अगर गिवन है तो दोनों को आप ऐड करोगे, नहीं तो एज इट इज लेके चलोगे. अब यहाँ जैसे उन्होंने कहा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इट मींस हमने आइसक्रीम कितनी डल रही है ऊपर, स्कूप बना रहे हैं नहीं बना रहे, वो कुछ नहीं देखा. दिखाओ कौन सा क्वेश्चन कह रही हो. लास्ट बॉय हैव यू डन कैलकुलेशंस? करने को कहा है मैंने आप लोगों को बेटे, डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ. मिला आराम से ढूंढ लूंगा. फर्स्ट का पाए क्या लिए? हाँ हाँ पाई की वैल्यू क्या ली है? वॉल्यूम ऑफ क्या था? हेमिस्फेरिकल स्कूप 2/3 पाई आर क्यूब.
आर कितना लिया है, सेवन, हाँ तो 718.67, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 क्यूब, सेकेंड पार्ट था हमारा सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, तो सरफेस एरिया के आगे कुछ नहीं लिखा, मींस वी आर टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। हाँ जी आराम से देख के कल पूछ लेना, अगर नहीं गिवन है डिपेंडिंग ऑन जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी विल गो। किसकी?